को जो निवेदन दिया है, क्या मामला है इस निवेदन में? आज जो हमने उप जिला अधिकारी को निवेदन दिया, साथ ही साथ हमने मेन CM शिक्षण मंडल सबको पोस्ट कर चुके हैं, भेज चुके हैं। हमारा विषय ये था, ये साल तो बच्चे लोग का बर्बाद हो चुका है। जो गरीब फैमिली के थे, कुछ लोग चाहते हमारे बच्चे पढ़े इंग्लिश मीडियम में, जब वो टीचर के पास स्कूल में जाते हैं लोग एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले उनका डोनेशन की बात होती है, फिर दूसरी बात होती है जब वो बच्चे कहते डोनेशन उनका हो जाता है, जब कहते भाई बच्चे जाने लगते हैं तो उनको एक लिस्ट दी जाती है, नोटबुक टेक्स्टबुक सब बुक जितनी भी बुक आती है सब, यूनिफॉर्म ड्रेस बैग सब तुमको स्कूल से लेना है। इसको उसके लिए बहुत अच्छा अमाउंट दिया जाता है कि भाई तुमको इतना अमाउंट देंगे तो ही मिलेगा, और तुम्हारे पर ज़बरदस्ती रहती है कि तुमको इतना पैसा दे के लेना है, ना उसका कोई पक्का बिल रहता है, ना कोई GST नंबर है। एक अच्छी पावती दी जाती है कि 5,000 की है, 10,000 की है, 15,000 का, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है। उसके देने के बाद जब सब हो जाती है, पढ़ाई जब स्टार्ट होती है, तो हम आप पूछने जाते हैं पेरेंट लोग कि भाई बच्चा पढ़ रहा नहीं, ये नहीं कर रहा है, तो बोलते ठीक है ना आप आगे प्राइवेट क्लासेस लगा लो। हर चीज़ का पैसा स्कूल लेती है, पढ़ाई के लिए बाद अलग से बच्चा बाहर से बढ़ा, खाली एक नाम के लिए स्कूल, उसका काला बाजारी चल रही है वो रोकी जाए। और इसके पहले भी पिछले साल 2018 में जब भिवंडी शहर में गलते पता चला था कि 17 स्कूल कुछ इलीगल थी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, आज वो बढ़ के 23-24 कुछ हो चुकी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं। दिन पे दिन कहते काला बाजारी बढ़ रही है, इसके ताल्लुक से हम लोग यूथ में आपस में मीटिंग की है, अगर ये कोई डिसीजन नहीं लेते ये साल तो बर्बाद हो गया। हम लोग इंशाल्लाह हर दिन धरने पे प्रदर्शन जो हमसे हो सके हम उसमें उतरेंगे, और हम दूसरे लोग को भी इसमें सहयोग करने की मांग करेंगे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आज भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने भिवंडी शहर के प्रांत कार्यालय में शिक्षण में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में ज्ञापन दिया। भारत में जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं उसमें से एक शिक्षण माफिया का मामला भी है। शिक्षण के नाम पर भारत में बड़े नहीं बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं। भिवंडी शहर पर अगर ले लें तो भिवंडी शहर की हालत ऐसी है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका शिक्षण मंडल द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं, इसमें यूँ समझ लीजिए कि अगर 10वीं क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं तो 7 बच्चे पास होते हैं। हालांकि इन स्कूलों में एक एक टीचरों की पगार 30,000 35,000 28,000 22,000 होती है, तो करोड़ों रुपया इस तरह से बर्बाद होता है। इसी का फ़ायदा उठाकर जो पेरेंट्स हैं भिवंडी शहर के इंग्लिश मीडियम में या दूसरे प्राइवेट स्कूलों में डाल देते हैं अपने बच्चों को, और ये स्कूल के लोग वहाँ कम से कम बोगदा लेकर बैठे हुए हैं, जैसे ही पेरेंट्स मिल गए उनके गर्दन काट लेते हैं। गर्दन काटने का मतलब ये है कि इतनी फीस, ड्रेस की फीस, किताबों की फीस, यहाँ तक कि जो किताबें हैं जो बुक्स हैं सब उनके बताए हुए पते से ही लेनी पड़ती है, उनकी बताई हुई दुकानों से ही ड्रेस खरीदने पड़ते हैं, या वो खुद ड्रेस मंगवा कर देते हैं और उसका मनमानी पैसा भी लेते हैं। तो ऐसे शहर में सरकार बार बार तो नारा लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाओ, पहले खाओ फिर पढ़ाओ, तो खाने से तो बचता ही नहीं तो पढ़ाओ कहाँ से। मैं BSS के लिए खान पकड़ा।